आ गया काजी, आ गए। छोड़ छोड़ दो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, उसको शुरू करते हैं, है ना। आकाश जी भी जुड़ना चाह रहे हैं, अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये आपको फिटिंग शॉप में एक इम्पोर्टेंट मशीन है, आपको बेंच ड्रिल, है ना। ये आपको बेंच ड्रिल है, ये आपको इम्पोर्टेंट है आपको फिटिंग शॉप में। ड्रिलिंग मशीन का एक लेक्चर वीडियो भी हम पहले भेजे हुए हैं, उसमें आपको डिटेल से आपको दिया हुआ है ड्रिलिंग मशीन किस तरह के, कितने तरह के होते हैं। तीन तरह का होता है, बेंच ड्रिल, हैंड ड्रिल और पाइप ड्रिल। हाँ, और भी तरह होते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है ना, कॉलम ड्रिलिंग मशीन है। तो वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ कहाँ है सर हमको? हमको तो आज भी पड़े तो वही है तीन को। हाँ, जो बेंच ड्रिल, हैंड ड्रिल और पाइप ड्रिल। नहीं नहीं ज्यादा है, आप उसको वीडियो वो ठीक से देखे नहीं है। कौन सा आज जो भेजे थे सर? नहीं नहीं आज नहीं, ड्रिल मशीन का मैंने सेपरेट वीडियो बना के भेजा हुआ है। ओहो, ड्रिल मशीन का लगता है सर भेज दिए होंगे, इसीलिए नहीं पता चला। नहीं तो फिर से हम आज दोबारा भेज देते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ फिर से उसको भेज देते हैं। ये आपको ड्रिल का पार्ट है, ये आपको फिट लीवर है, ये फिट लीवर को जो घुमाते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं, तो ये चक आपको नीचे जाता है ना। कल यस सर, कल आप कह रहे थे ना कि कैसे जो है उसमें ड्रिल होता है, ड्रिल बिट यस सर, किए हुए हैं। हाँ ड्रिल बिट में कैसे आपको आपको ड्रिल होता है, तो आप कल पूछ रहे थे। तो ये देखिए, यही ड्रिल मशीन है जिसमें आपको ये आपको चक लगा हुआ है, ये आपको ड्रिल बिट लगा हुआ है, कल जो मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो ये फिट लीवर से यहाँ को ये जॉब के जॉब यहाँ पे रख दिया जाता है, टेबल पे आपको रख दिया जाता है, और लीवर से उसके कांटेक्ट कर देते हैं, और फिर ये बटन जो स्विच है, स्विच को दबा देते हैं, ये पूरा घूमने लगता है। है ना, ये ड्रिल स्पिंडल पूरा घूमने लगता है, और घूम करके ये सारा मेटल जो है बाहर निकलता है ना, रेडियल डायरेक्शन में। तो ये आपको आपको ड्रिल मशीन है, इसके पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, ये आपको टेबल है, ये आपको कॉलम है, ये आपको बेस दिया हुआ है ना। ये आपको हाँ, ड्रिल मशीन का फिगर आप अच्छा से प्रैक्टिकल कॉपी में आप बना लीजिएगा, पार्ट्स का नाम आप याद कर लीजिए, है ना। ड्रिल मशीन में जो आपको प्रोसेस है, स्टेज है ड्रिलिंग वर्क का, ये 8 स्टेज है आपको ड्रिल वर्क का, कैसे कैसे ड्रिल वर्क काम करना है, ये स्टेप्स आपको लिखा हुआ है ना, है ना। ये जो है
आपको होल्स आपको जरूरी होता है फास्टनिंग ऑफ द रिवेट्स बोल्ट्स और प्रोड्यूसिंग द इंटरनल थ्रेड के लिए आपको जरूरी होता है ना। ये बेंच ड्रिल मशीन है इज द मोस्ट वर्सटाइल मशीन यूज फिटिंग शॉप फॉर द पर्पस। आपको लिखा हुआ है कि ये मोस्ट वर्सटाइल मशीन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, किसी भी इंडस्ट्री का काम नहीं चलेगा, ये हर एक इंडस्ट्री में आपको रहता है। इसमें जो हाँ बोलिए सर, वो लैंग्वेज खत्म हो गया जो पढ़ा रहे थे। नहीं नहीं वो खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसको फिर जो है इंग्लिश वाला फिर शुरू करेंगे। तो ये आपको ये फिटिंग का टूल था, इसमें भी आपको इंग्लिश आपको दिया हुआ ही है, तो पहले बोला कि मैंने आप इसको कर देते हैं फिर उसको कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश का जो है ना उसको कंटिन्यू करेंगे उसको जो है कंटिन्यू करेंगे है ना। तो ये देखिए ट्विस्ट ड्रिल है जो कल मैंने आपको दिखाया था, जो आपको टूल स्टील का बना हुआ होता है, हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है ना। और ये आपको 8 स्टेज है, ये आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ड्रिल मशीन में आपको कैसे काम करना है। सेलेक्ट द करेक्ट साइज ड्रिल, पुट इनटू द चक एंड लॉक इट फॉर्मली है ना। ड्रिल आप करेक्ट साइज का जितना को होल बनाना है आप इसको सेलेक्ट कीजिए और ये चक में आप पुट कीजिए और इसको टाइट कीजिए है ना। पहला स्टेज है लॉक इट फॉर्मली है ना। दूसरा स्टेज है एडजस्ट द स्पीड ऑफ द मशीन टू सूट द वर्क चेंजिंग द बेल्ट ऑन द पुली है ना। दूसरा स्टेज है एंड जो है स्पीड को आप चेंज कीजिए, ये आपको पुली में आपको पीछे पुली है, ये आपको पुली दिखाया जा रहा है, पुली से आप घुमाने वाला कौन सा स्पीड में काम करना है उसको चेंज कीजिए है ना। थर्ड है लेआउट ऑफ द लोकेशन ऑफ द पोल एंड मार्क इट सेंटर पंच, कहां पे होल करना है आप सेंटर पंच से उसको मार्क कीजिए जॉब में। सेंटर पंच मैं कल आपको दिखा रहा था ना, उसका यही काम है, कहां पर होल होगा वहां पे आपको मार्क करना है। नंबर 4 है होल्ड द वर्क फॉर्मली इन द वाइस ऑन द मशीन टेबल एंड क्लैम इट डायरेक्टली ऑन द मशीन टेबल, ये आपको जॉब को, ये आपको मशीन टेबल आपको दिखाया जा रहा है, यहां पर जो है होल्ड कीजिए, क्लैम कीजिए जॉब को है ना, जॉब को यहां पर आप क्लैम कीजिए। ये आपको चौथा स्टेज था। पांचवा स्टेज में पुट ऑन द पावर, लोकेट द पंच मार्क एंड अप्लाई स्लाइड प्रेशर ऑन द फीड हैंडल है ना। ये आपको पावर को ऑन द पावर, ये पावर को स्विच दबा के आप पांचवा स्टेप में आप ऑन कीजिए। सिक्स स्टेज में है वंस ड्रिलिंग इज कमेंस्ड, ड्रिलिंग जब आपका शुरू हो जाता है इन द करेक्ट लोकेशन में ड्रिलिंग आपका जब शुरू हो जाता है, अप्लाई द इनफ प्रेशर एंड कंटिन्यू ड्रिलिंग, प्रेशर अप्लाई कीजिए, प्रेशर आप अप्लाई ये लीवर से करेंगे, फिट लीवर से करेंगे है ना। ये चक में आपको ड्रिल बिट आपको घूमेगा और नीचे उसको ले जाने के लिए और होल को बड़ा करने के लिए, होल को गड्ढा करने के लिए आपको लीवर से आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा है ना। ये लीवर से आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको छठा स्टेज था। और सातवां स्टेज में रिलीज द प्रेशर स्लाइटली व्हेन द ड्रिल पॉन्ड प्रेसेस द लोअर सरफेस ऑफ द मेटल, जब आपको ड्रिल हो गया तो आपको जो है प्रेशर आपको स्लाइटली हटा लेना है ना। ऑन कंप्लीशन ऑफ द ड्रिल रिट्रेस द ड्रिल आउट वर्क एंड पुट अप द पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई को आप खत्म कर दीजिए। ये आपको ड्रिल मशीन का आपको पार्ट्स के नाम आपको बताए जा रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिकल कॉपी में आप उसको बनाइए। डिफरेंट टाइप का जो ड्रिल मशीन है उसमें भी यही बेसिक पार्ट्स है, आपको ये जो है बेसिक पार्ट्स आपको बताया जा रहा है, यही बेसिक पार्ट सभी ड्रिल मशीन में आपको होता है ना। और ड्रिल मशीन आपको जरूरी है, इसके बिना आप होल कर ही नहीं सकते, होल करना है तो आपको ये आपको ड्रिल मशीन आपको इंडस्ट्री में रहता है, हर एक इंडस्ट्री में आपको ड्रिल मशीन आपको रहता ही रहता है ना। तो ये आपको ड्रिल मशीन का आपको आपको इंपॉर्टेंस है। दूसरा है फिनिशिंग टूल्स,
ये आपको रिमर्स आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको रिमर है ना। देखिए ड्रिल बिट में और रिमर में आपको क्या फर्क है, रिमर में ये आपको स्ट्रेट स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है ना, ड्रिल बिट में आपको हेलिक्स एंगल में बना हुआ था, ड्रिल बिट में आपको हेलिक्स एंगल में बनाया हुआ था वो। और ड्रिल बिट का फिगर मैं आपको फिर से आपको दिखा देता हूं, ड्रिल बिट और हेलिक्स में आपको क्या फर्क है। देखिए ये आपको ड्रिल बिट है ना, बिट में हेलिक्स एंगल है, ये आपको हेलिक्स एंगल में बना हुआ है, इससे आपको ड्रिल बिट जो है आपको जो है होल होता है। और ये रिमर में आपको जो है आपको स्ट्रेट दिया हुआ है, ये स्ट्रेट है आपको दोनों का आपको तो ये आपको साइजिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द ड्रिल होल के लिए काम आता है, ये होल को इनलार्ज नहीं करता है, है ना। रिमर का काम है फिनिश करना, होल जो आपने बनाया हुआ है उसको फिनिश करना, उसको साइज करना, यही यही रिमर का काम है। फर्स्ट द होल फर्स्ट ड्रिल्ड, पहले होल को ड्रिल किया जाता है, द साइज ऑफ विच इज स्लाइटली स्मॉलर देन द फिनिश साइज, देन ए हैंड रिमर और मशीन रिमर इज यूज टू फिनिश द होल ऑफ द करेक्ट साइज, है ना। ये साइज को फिनिश करने के लिए कोई भी होल बनाते हैं उसके बाद रिमर को यूज करते हैं होल को फिनिश करने के लिए, है ना। ये आपको जो हैंड रिमर है आपको हाई कार्बन स्टील का आपको बना होता है ना, ये आपको हाई कार्बन स्टील का आपको आपको बना होता है। और इसमें जो आपको सेंक इंडर रिमर में आपको स्ट्रेट होता है, जो आपको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपको है ना, ये आपको आपको रिमर होता है ना, इट इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होल को साइज को फिनिश करने के लिए ये आपको रिमर का काम आता है ना। तो ये टूल को याद रखिए, इसको भी प्रैक्टिकल कॉपी में आप बना लीजिए, नए तरह का टूल आप बनाइए, जो 50 टूल्स देख रहे हैं, फिटिंग टूल्स देख रहे हैं, एक नया तरह का टूल निकालिए कि उससे जो है आपको आपको ज्यादा रिकॉग्निशन मिल जाएगा, है कि नहीं। एक 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 दूसरे तरह का टूल निकालिए, इनोवेशन कीजिए कि जो है तो आपको ज्यादा रिकॉग्निशन आपको इंडस्ट्री में हो जाएगा। ये नेक्स्ट है आपको फाइल आपको जरूरी है, ये आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल आपको हटाया जाता है, और इसमें आपको स्मॉल पार्लर रेज और टीथ आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। फाइल का सारा नाम आपको यहां पर आपको बताया हुआ है, ये देखिए आपको टिप है, ये आपको हार्ड टेम्पर है, ये सॉफ्ट है, ये आपको हैंडल है, ये आपको टंग है, ये आपको लेंथ ऑफ द फाइल इन द मिलीमीटर्स है, ये आपको फेस है ना, ये आपको हिल है। फाइल का पूरा नाम आपको यहाँ पर आपको आपको बताया जा रहा है, ये फाइल का पार्ट्स का नाम आप उसको याद कीजिए, या ये आपको हैंडल है, ये आपको सॉफ्ट है, ये आपको टैंग है, ये आपको हिल है, ये आपको एज है, ये आपको हार्ड टेम्पर है, ये आपको लेंथ ऑफ द फाइल इन द मिलीमीटर है ना। किसी भी मेटल से हाँ, फाइलिंग ऑपरेशन आपको प्रैक्टिकल में भी है, फाइलिंग करना फाइल आता है सर, वो जो है ना गांव घर में कुट्टी काटने वाला मशीन जो है रेती जिसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी में हाँ बिल्कुल रेती जो है आप रेती से आप जो है साफ करते हैं तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ द मटेरियल रिमूव करते हैं तो वही आपका जो है आपको आपको रेती है ना, तो है ना यही आपको आपको रेती है ना। तो ये आपको सिंगल कट फाइल है ना, ये 65 टू 75 डिग्री में होता है और सिंगल आपको डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है, ये आपको सिंगल कट फाइल है ना, ये आपको सिंगल डायरेक्शन में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपको डबल कट फाइल है, ये डबल डायरेक्शन में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, डबल डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है, ये आपको डबल कट फाइल है ना, ये आपको 75 डिग्री पे रहता है, ये आपको 45 डिग्री पे रहता है, ये 70 डिग्री पे रहता है, ये आपको 45 डिग्री पे रहता है, तो ये आपको डबल कट फाइल है। और ये देखिए कई तरह के फाइल होते हैं, सारे तरह के फाइल के बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है। ये आपको फ्लैट फाइल है,
फ्लैट फाइल में आपको ये जो है आपको रेक्टेंगल होता है क्रॉस सेक्शन है ना, फ्लैट फाइल में ये आपको जो आपको क्रॉस सेक्शन है वो आपको रेक्टेंगल होता है, ये आपको हाफ राउंड फाइल है, ये आपको हाफ राउंड इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है ये आपको हाफ राउंड फाइल है ना, ये आप हाफ राउंड फाइल है, ये आपका स्क्वायर फाइल है, ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन आपको आपका स्क्वायर है ना, ये आपको राउंड फाइल है, ये आपको आपको राउंड फाइल है और ये आपको ट्रायंगुलर फाइल है, ये आपको ट्रायंगल है ट्रायंगुलर, तो क्रॉस सेक्शन जिस तरह का रहता है ना उसी तरह का फाइल का नाम देते हैं, तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइल्स है, ट्रायंगुलर फाइल, राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ये सारे जो फाइल्स हैं उसके बारे में आपको बताया गया है ना। इंस्टीट्यूट में ये थी वहां पे सर, ये फाइल सब वहां पे रहता होगा सर? हाँ इंडस्ट्री में सारे फाइल्स रहते हैं। हाँ देखिए चीज का असेंबली करेंगे ना, असेंबली करने के लिए अगर वहां पे फिट नहीं बैठ रहा है, थोड़ा सा मेटल रिमूव करना है, मेटल हटाना है, तो फाइल से हटाते हैं, फाइलिंग का वो काम है। असेंबली में आपको फिट करना है तो दो चीज को असेंबल करना है, अगर बड़ा छोटा है तो आपको फाइल से ही आपको हटेगा, ये सारे तरह का फाइल आपको जो है आपको रहता है इंडस्ट्री में। नॉर्मली फ्लैट फाइल तो कॉलेज में भी होगा सर? आप नहीं, ये सारे फाइल कॉलेज में भी है। हाँ कॉलेज में भी है, कॉलेज में भी है, माँ यशोधरा में सारे इक्विपमेंट है, एक भी इक्विपमेंट नहीं है कि जो आपको नहीं है, है ना, वहां पर बिल्कुल 100% सारा इक्विपमेंट जो आपको चाहिए वहां पर है, वो सारे इक्विपमेंट है, सारे फाइल्स वहां पे है, है ना, जॉब बनाए भी हुए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां से वहां जो है सारा आपको जो है वहां वहां पे है, और ये आपको फाइल कार्ड है, ये फाइल कार्ड का काम है, फाइल कोडिंग है, आपको ये आपको क्लीनिंग ऑफ द फाइल्स के लिए काम आता है फाइल कार्ड, इसका नाम वुडन हैंडल है, ये आपको फाइल कोडिंग है ना, ये क्लॉक इन बिटवीन द टीथ, मेटल इसमें जो है आपको क्लॉक कर जाता है टीथ के बीच में, ये ब्रश जैसा है सर है? ये ब्रश जैसा है? हाँ ब्रश जैसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपको ब्रश है ना, साफ करना फाइल कार्ड है, ये आपको ब्रश है, आपको ये स्पेशल बनाया हुआ है, क्योंकि जो है फाइल में आपको टीथ बना हुआ होता है तो टीथ को हटाने के लिए ब्रश ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपको ब्रश है ना, ये ब्रश से सर फाइल से, तो वहाँ पे इसका क्या काम, मतलब वही साफ उफ करने के लिए काम आता है सर के? फाइल को साफ करने के लिए, ये जब जब आप फाइलिंग करेंगे ना तो ये जो पोर्शन है तो इसमें मेटल आपको चिपक के रह जाता है, क्लॉक कर जाता है, जी सर है ना, मेटल उसमें चिपक के रह जाएगा, तो उसको उसको साफ करने के लिए ये जो है आपको यूज किया जाता है। अभी ऋषि केस टूटा सर, डिस्कनेक्ट कर गया कि सर कट गया, नहीं आया ट्यूनिंग हो पाके? अभी ऋषि केस अभी ज्वाइन किया था नहीं? हाँ वो मतलब नहीं अब आ रहा है। हाँ ज्वाइन किया था, वो लग रहा है कि वो इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसी से जो है वो दिक्कत हो रहा है, वो नहीं उसमें जो है। ये आपको बॉल पेन हैमर है ना, बॉल पेन हैमर, ये बॉल पेन हैमर है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है, ये आपको क्रॉस पिन है, है ना, हैमर भी बहुत तरह का होता है। हाँ हैमर भी आपको 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 बहुत तरह का होता है ना, हैमर भी आपको बहुत तरह का होता है, ये आपको बॉल पेन ही हैमर है, दो व्यू आपको दिखाया जा रहा है, ये इसका बॉल पेन है, ये आपको हैंडल है, ये आपको वेजेज है, ये आपको आई है ना, ये इसके जो शेप एंड साइज पे आपको इसको बॉल पेन हैमर इसको बोलते हैं, है ना, इसका बॉल एंड होता है, पार्टली यूज्ड फॉर द रिवेटिंग के लिए काम आता है ना, ये आपको बॉल पेन हैमर है, हैमर भी कई तरह के होते हैं, आपको ये आपको क्रॉस पिन हैमर है ना, ये आपको क्रॉस पिन हैमर चिपिंग में, रिवेटिंग में, बेंडिंग में, स्ट्रेचिंग मेटल में आपको काम आता है ना, और है ना, और
क्रॉस बीन हैमर, ये आपको इट इज यूज्ड फॉर स्वेजिंग, रिवेटिंग में आपको काम आता है। ये हैमर भी कई तरह का होता है, तो हैमर का भी जो है फिगर आप इसको प्रैक्टिकल कॉपी में आप इसको बना लीजिए। ये आपको स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर आपको आपको घर में भी आप देखे होंगे, ये आपको स्क्रू ड्राइवर है, ये दो तरह का स्क्रू ड्राइवर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, है ना? ये दो तरह का स्क्रू ड्राइवर आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको स्पैनर्स है, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पैनर्स और व्रेंच टूल फॉर द टर्निंग नट्स एंड द बोल्ट, ये जो है आपको फोर्ज स्टील के लिए आपको यूज किया जाता है। They are named according to the calculation. The size of the spanner denotes the size of the bolt on which it works. Single-ended box spanner है ये। ये आपको single-ended spanner है। ये आपको double-ended spanner है। ये आपको double-ended है। दोनों साइड में है। ये आपको single-ended है। ये आपको box spanner है। PDF भेज दीजिएगा सर। ये PDF मेरे पास नहीं है। PDF इसका भेज दीजिएगा सर। नहीं, ग्रुप में भेजा हुआ है। मैं आपको personally भी भेज देता हूँ। ग्रुप में भेजा हुआ है। ये जो रेंच है, इसका रेंच का मेरे पास पीडीएफ नहीं है सर। नहीं, मैं आज आपको स्पेशल भेज देता हूँ। आप ये ग्रुप में भेजा हुआ हूँ, मैं आज दोबारा मैं भेज देता हूँ। हाँ, दोबारा जो है ये आपको पीडीएफ रहना आपको जरूरी है, क्योंकि इसी से सारा आपको क्लियर होगा, वो है ना? नहीं, ये सब याद कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, याद कर लीजिए। ये आपको आपको इंडस्ट्री में आपको लाइफ भर काम आएगा, है ना? ये ऑफसेट सॉकेट आपको रेंच है, ये आपको ऑफसेट सॉकेट रेंच है, ये आपको एडजस्टेबल रेंच है। इसको अतीत बोलते हैं, सलाय रेंच बोलते हैं हम। हाँ, एडजस्टेबल रेंच है ये। ये आपको सॉकेट रेंच है ना? ये आपको ऑफसेट सॉकेट रेंच है। ये आपको एलन रेंच, एलन की है ये। कई तरह का साइजेज में आता है, एलन की है। एलन की में आपको नंबर लिखा हुआ रहता है, इसमें आपको नंबर लिखा हुआ रहता है ना? जी जी, ये एलन की से जो है बार बार आपको काम आता है, मशीन में आपको खोलने के लिए आपको काम आता है। ये आपको मंकी ब्रांच है, ये आपको मंकी ब्रांच है, मंकी ब्रांच आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पिनर्स का यहाँ पर आपको फिगर आपको सबका बारे में आपको बताया गया है, है ना? यस सर, है ना? ये आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिनर है, और ये आपको यहाँ पर सेफ्टी प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया गया है। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, सबसे पहला चीज है सेफ्टी। सेफ्टी सर, हाँ सेफ्टी, सेफ्टी से काम कीजिए। हाँ, सेफ्टी से काम कीजिए, आप धीरे धीरे काम कीजिए, सेफ्टी आप जरूर यूज कीजिए। मशीन में एक्सीडेंट हो गया, फिर जो है देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री में मालिक फिर बॉदर नहीं करता है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। मैं क्लियर कट बता देता हूँ, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है। कहीं हाथ नहीं लग जाए, कहीं हाथ नहीं कट जाए, कहीं कपड़े नहीं फंस जाए, आप उसका पहले आपको ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन आप स्लो कीजिए, मगर सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी कुछ हो गया ना, तो फिर आपको दिक्कत है, आपको आप लाइफ भर परेशान हो जाएंगे। मशीन में कहीं हाथ फंस गया, कहीं पैर फंस गया, कहीं कपड़ा फंस गया, तो आप लाइफ भर परेशान हो जाएंगे। तो ये सेफ्टी जो है आपको बहुत जरूरी है, सेफ्टी जो है आपको जो है बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर सेफ्टी के बारे में आपको दिया हुआ है, लेदर शूज पढ़ना चाहिए, वियर लूज क्लोथ्स, ये सारा दिया हुआ है। आप इसको जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना? ये सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको आपको जो है जरूरी है। तो पहला लिखा हुआ है, कीप हैंड एंड टूल व्हिप्ड क्लीन एंड फ्री ऑफ डर्ट, ऑयल एंड ग्रीस। ड्राई टूल आर सेफर। फॉलोइंग से पढ़ाइए सर, द फॉलोइंग आर जो है सम ऑफ द ऊपर से। हाँ, द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द सेफ एंड करेक्ट वर्क प्रैक्टिसेस इन द बेंच एंड वर्क फिटिंग शॉप विद रिस्पेक्ट टू द टूल यूज, है ना? ये आपको सेफ एंड करेक्ट प्रैक्टिसेस बताया गया है आपको फिटिंग शॉप में, है ना? इसमें कह रहा है कि हाथ को और टूल को ऑयल से फ्री रखिए, ग्रीस से फ्री रखिए, डर्ट से फ्री रखिए। ड्राई टूल्स आप यूज कीजिए फॉर द सेफर, और स्लिपरी टूल्स, ड्राई टूल्स को हमेशा यूज कीजिए। हैंड को, टूल को आपको ऑयल और ग्रीस से आप उसको बचा के रखिए,
है ना। नंबर टू, डोंट कैरी शार्प टूल्स ऑन द पॉकेट, शार्प टूल पॉकेट में आप कैरी मत कीजिए। नंबर थ्री, वियर लेदर शूज एंड नॉट सैंडल्स, सैंडल्स तो अलाउ है ही नहीं आपको इंडस्ट्री में, आपको शूज पहन के ही जाना है, सारे इंडस्ट्री में रूल बने होते हैं, आपको शूज पहन के ही इंडस्ट्री में आपको पैर रखना है। मतलब शूज मतलब क्या, नहीं समझे सर? शूज शूज, जूता जूता। और जूता जूता जी सर, ये तो बहुत कंपनियां देती भी है फ्री में, फ्री में शूज और जो है ड्रेस जो है ये आपको आपको कंपनियां देती भी है, तो आपको जो जूता दिया गया है वही जूता पहनिए, यही बता रहा है। डोंट वियर लूज क्लॉथ, लूज क्लॉथ पहनना नहीं है, है ना, लूज क्लॉथ आपको पहनना नहीं है, आपको टाइट क्लॉथ पहनना है, लूज क्लॉथ नहीं पहनना है। कपड़ा पहनने के लिए नहीं अलाउ कर रहा है सर ने? हाँ, लूज क्लॉथ नहीं पहनना है, लूज आप, आपको जैसे है ना फुल शर्ट पहनने के लिए वो मना करता है, हाफ शर्ट पहनने के लिए वो कहता है, वो हाफ शर्ट पहनिए, लूज पहनिए, लूज मत पहनिए, जिससे कि वो मशीन में इधर उधर फंस नहीं जाए, है ना। और हाफ हाफ शर्ट पहनने के लिए बोलता है, फुल शर्ट पहनने के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि वो मशीन में फंसने का चांसेस रहता है ना। डोंट कीप वर्किंग टूल्स एट द एज ऑफ द टूल, वर्किंग टूल को आप टेबल पे मत रखिए, है ना। नंबर सिक्स है, पोजीशन द वर्क पीस सच दैट द कट टू बी मेड इनक्लोज टू द वाइस, है ना, पोजीशन द वर्क पीस सच दैट द कट टू बी मेड इनक्लोज टू द वाइस, वाइस के साथ में आपको काम हो, द प्रैक्टिस प्रिवेंट स्प्रिंगिंग सॉ ब्रेकेज एंड द पर्सनल इंजरी। जो वर्क पीस है उसको वाइस के साथ में क्लोज में आप उसको पोजिशन करके रखिए। अप्लाई द फोर्स ओनली ऑन द फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिलीव द फोर्स ऑन द रिटर्न स्ट्रोक वाइल सॉइंग एंड फाइलिंग, फाइलिंग में जो है सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में, कटिंग स्ट्रोक में आप फोर्स लगाइए, रिटर्न स्ट्रोक में आप जो है फोर्स मत लगाइए, है ना, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आप जो है फोर्स लगाइए। फाइलिंग करते हैं, सॉइंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो कह रहा है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आप फोर्स लगाइए, आप बैकवर्ड स्ट्रोक में, रिटर्न स्ट्रोक में आप फोर्स मत लगाइए, है ना। डोंट होल्ड द वर्कपीस इन हैंड व्हाइल कटिंग, वर्कपीस को हाथ से कभी मत पकड़िए, वर्कपीस को आप वाइस में उसको टाइट करके रखिए, हाथ से मत पकड़िए कटिंग के, कटिंग करने में, है ना। और नाइन्थ में है, जो फाइल यूज करेंगे आपको टाइट हैंडल से फिट होना चाहिए, टाइट हैंडल से आपको आपको फिट होना चाहिए, ये आपको आपको फाइल है ना। आफ्टर फाइलिंग रिमूव द बर्स फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क, है ना, बर को जो मेटल बर्स है उसको आप एज से आप हटा दिए, टू प्रिवेंट टू कट द फिंगर्स, जो बर्स होते हैं ना, बर्स से आपको हाथ वगैरह कट जाता है तो आपको वो फिंगर से आप उसको हटा दीजिए, है ना। और वाइस को एनविल की तरह आप यूज मत कीजिए, ये आपको दिया हुआ है, व्हाइल सॉइंग कीप द ब्लेड स्ट्रेट अदरवाइज इट विल बी ब्रेक, है ना, ब्लेड को आप स्ट्रेट रखिए। डोंट यूज ए फाइल विदाउट हैंडल, डोंट यूज ए फाइल विदाउट हैंडल, क्लीन द वाइस आफ्टर यूज, वाइस को आप जो है आप उसको यूज कीजिए, ये आपको सेफ प्रैक्टिसेस, सेफ्टी प्रिकॉशन हमेशा इंडस्ट्री में आपको रखना पड़ता है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए, सेफ्टी प्रिकॉशन पहले जरूरी है, काम बाद में है, काम बाद में है, आप पहले सेफ रहिए, ये सबसे पहले आपको आपको जरूरी है ना, ये सेफ्टी प्रिकॉशन आपको, ये आपको जरूरी है ना। तो दूसरा है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बताया जा रहा है ना, ये प्रैक्टिकल आपको बताया जा रहा है, फाइलिंग का ये आपको प्रैक्टिकल बताया, ये आपको आपको रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 50-50 का, ये स्क्वायर फाइलिंग करके 48-48 करना है ना, ये है ना, फाइलिंग करके, स्क्वायर फाइलिंग करके आपको 48-48 आपको फिनिश जॉब आपको यहाँ पर आपको बताया हुआ है, फाइलिंग करने का आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल बताया हुआ है, स्क्वायर फाइलिंग, टू फाइल द गिवन द माइल्ड स्टील पीस टू द स्क्वायर ऑफ द 48 mm और द 2x2 साइड एस ऑन इन द फिगर। ज़ूम करिए ना सर, ए छोटा थोड़ा सा ज़ूम करिए ना, थोड़ा सा छोटा बहुत लगता है। हाँ, है ना, जो जो टूल इसमें रिक्वायर्ड है सारा टूल का नाम पे है, उसके बाद लिखना है बेंच वाइज सेट ऑफ द फाइल्स,
स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हेड गेज, बॉल पेन हैमर, स्क्राइबर, डोंट पंच, ये आपको यहाँ पर। वर्नियर कैलिपर भी सर तीन तरह का होता है सर, इनसाइड आउटसाइड और बिल्कुल आप सही कह रहे, आपको बिल्कुल याद है वो कैलिपर तीन तरह का होता है, बिल्कुल आप सही। हाँ याद कर रहे हैं कुछ कुछ सर। हाँ नहीं वो जरूरी है, आपको आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ वो तो है लेकिन थोड़ा बहुत भी ध्यान में रखना पड़ रहा है सर। हाँ हाँ नहीं वो याद हो जाएगा, ये चूंकि आपको पहली बार सुनते हैं ना, इंग्लिश में नाम है ना, इसीलिए आपको याद नहीं रहता है, वो धीरे धीरे दो बार तीन बार में आपको आपको याद आ जाएगा। और ये आपको प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे जो है, आपको आठ स्टेप लिखा हुआ है, आठ स्टेप में कैसे कैसे करना है ना, आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। रिक्वायर्ड साइज ऑफ द स्क्वायर माइल्ड स्टेप इज फर्स्टली कट बाय द हैक्सॉ फ्रॉम द लॉन्ग स्टील स्टेप, पहले हैक्सॉ में आप साइज पहले माइल्ड स्टील का कट करेंगे, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा में डायमेंशन ऑफ द गिवन पीस आर चेक्ड विद द स्टील रूल, डायमेंशन चेक करेंगे स्टील रूल से। नंबर थ्री में जॉब इज फिक्स्ड रिजिडली इन ए बेंच वाइज, बेंच वाइज में जॉब को आप फिक्स्ड करेंगे। एंड द टू एडजेसेंट साइड्स आर फाइल्ड यूजिंग द रफ फ्लैट फाइल फर्स्ट एंड देन स्मूथ फ्लैश फाइल सच द टू साइड्स आर एट द राइट एंगल्स, है जॉब को बेंच वाइज में फिक्स्ड करेंगे जी सर, है ना, पहले रफ फाइल का यूज करेंगे तब स्मूथ फाइल का यूज करेंगे, है ना, और राइट एंगल ऑफ द टू एडजेसेंट साइड इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का जो काम है ना वो राइट एंगल चेक करता है, ट्राई स्क्वायर से राइट एंगल को चेक करेंगे कि राइट एंगल में आपको 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 कटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है ना। चॉक इज देन अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस, चॉक जो है अप्लाई किया जाता है, डायमेंशन को चेक किया जाता है, द गिवन डायमेंशन आर मार्क बाय द स्क्राइबिंग द टू लाइन्स मार्क करके स्क्राइबिंग करते हैं विथ रेफरेंस टू द वर्नियर हेड गेज एंगल प्लेट एंड द सर्फेस प्लेट, एंगल प्लेट भी आपको दिखाया हुआ था, सर्फेस प्लेट भी दिखाया हुआ था, वर्नियर हेड गेज भी आपको दिखाया हुआ था, ये सारे से करके उसको जो है डायमेंशन को मार्क करते हैं, है ना सर। कल भी वर्निकल कौन प्लेट बताए थे और सर्क्यूल प्लेट, मतलब पहले भी जो फिटिंग में हमको भेजे थे पीडीएफ तो उसमें भी है। हाँ उसमें भी था, हाँ उसमें भी था, उसमें भी था और इसमें भी है ना, उसमें भी था और इसमें भी है, तो ये जो है आपको यहाँ भी और भी पीडीएफ आपको भेजा आपको भेज देंगे, आपका जो है यहाँ पे पीडीएफ का ना ये जो है आपका बुक जो है बिल्कुल हम प्रैक्टिकल का और थ्योरी का फिटर का वो अभी रेडी कर रहे हैं, वो आपको जो है पीडीएफ में भेज दिया जाएगा, है ना जी। हमको चार को पीडीएफ भेजे थे सर, चार नहीं अभी और हम रेडी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ, आपको फाइल जो है आपको आपको भेज दिया जाएगा, आपको आपको हाँ, ये जो पढ़ा रहे हैं सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा, काहे पढ़ाए उसका पीडीएफ देखना, औजार का नाम याद करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना, तो यूजिंग द डॉट पंच, डॉट्स आर पंच्ड अलोंग द अबव स्क्राइब्ड लाइन, आपको डॉट पंच से आपको वो स्क्राइब किया जाता है ना। द टू साइड्स आर देन फाइल्ड बाय फिटिंग द जॉब इन द बेंच वाइज, दोनों साइड को आपको बेंच वाइज में रख करके वो उसको फिट किया जाता है, फॉलोड बाय द चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ द सर्फेस, है ना, एज द मटेरियल रिमूवल थ्रू फाइलिंग इज द रिलेटिवली लेस, फाइलिंग इज डन इंस्टेड ऑफ द सॉइंग, ये आपको टू साइड्स आपको फाइल किया जाता है, ये आपको आपको दिखाया हुआ है, ये आपको रॉ मटेरियल दिखाया हुआ है, ये आपको फिनिश जॉब आपको दिखाया हुआ है, ये आपको स्क्वायर फाइलिंग प्रैक्टिकल आपको करना ही करना है, फाइलिंग का जॉब फिटिंग शॉप में आपको करना ही करना होता है, और दूसरा प्रैक्टिकल है सेंटर पंचिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेडिंग, सेंटर पंच करना है, पंच भी सर दो तरह करना होता है, पंचिंग अलग है और पंच अलग है सर। हाँ पंच जो सेंटर पंच तो आपको दिखाया था ना मैंने, सेंटर पंच आपको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, मैं ये कह रहा सर पंच एक अलग होता है और पंचिंग अलग होता है सर। नहीं उसी से पंच से जो करेंगे उसी को से जो है उसको पंचिंग बोलते हैं, है ना,
पंच आपको मैं आपको दिखाया था, पंच आपको मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, ये आपको आपको सेंटर पंच है। ये रहा है ना, अच्छा हाँ यही डॉट पंच और सेंटर पंच, पंच करने को ही पंचिंग बोलते हैं। हाँ वही वही नाम पूछ रहे थे, पंच और पंचिंग अलग नहीं है, एक ही है ना। हाँ एक ही है। तो ये दूसरा प्रैक्टिकल है, सेंटर पंचिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेडिंग। टू सेंटर पंच द फाइल्ड माइल्ड स्टील पीस एंड मेक द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेडिंग एज शाउन इन द फिगर, है ना। फिगर में आपको डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है ना, ये आपको आपको यहाँ पे आपको करना है ना। ये आपको इसमें आपको टूल रिक्वायर्ड है, ये आपको एक्सटर्नल थ्रेड बनाना है और यहाँ पर आपको इंटरनल थ्रेड बनाना है। उसके बारे में तो सर बताया गया है टूल से रिक्वायर्ड में है कि बेंच वाइज सेट ऑफ फाइल्स स्टील रूल ट्रायंगल, ये मतलब इसका पूरा चीज का काम होगा, वर्निकल क्लिपर वर्निकल हाइट गुगु बॉल पेन, ये मतलब ये क्या चीज, इसका सभी चीज का यहाँ पे उपयोग होगा सर। नहीं वो जैसे मार्किंग करने के लिए, आपको फ्लैटनेस चेक करने के लिए, परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए, ये तो आपको आपको जरूरी है ना, ट्राई स्क्वायर से आप चेक करेंगे, अच्छा वर्नियर कैलिपर से आप नापेंगे तभी तो होगा। हम वही पूछ रहे थे कि जैसे 20 ग्राम है इसका, ये चीज करने के लिए ये हमको पूरा टूल चाहिए ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये टूल्स आपको आपको चाहिए है ना, ये टूल्स आपको चाहिए ही चाहिए, ये टूल्स आपको, इसीलिए तो टूल्स का नाम आपको याद रखना आपको जरूरी है। और जो आपको आपको क्या क्या काम होते हैं इंडस्ट्री में, वो आपको प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है ना। तो वर्निकल हाइट गुगु है सर, गुगु तो एगो और नट जैसा जो कटिंग रहता है रिंग जैसा, उसको भी तो गुगु बोलते हैं सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गुगु गुगु तीन प्रकार, कितने तीन प्रकार का हो गया अंतर सर। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आपको ये आपको आपको प्रोसीजर दिया हुआ है। आफ्टर स्क्वायर फाइलिंग विद द स्क्वायर पीस वाज स्क्राइब्ड विद ए स्क्राइबर एंड ए सेंटर सेंटर ए मार्किंग पॉइंट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ द डॉज पॉइंट एंड द सेंटर पंच विद द हेल्प ऑफ द ड्रिलिंग मशीन ए होल इज मेड सो दैट द सिंडिकल रोड आफ्टर एक्सटर्नल थ्रेडिंग वुड प्रॉपरली फिक्स्ड इनटू द होल, ये आपको दिया हुआ है ना। इंटरनल थ्रेडिंग वाज मेड विद द हेल्प ऑफ द टेप एंड ट्रे फ्रेंचेज, एक्सटर्नल थ्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ द डाई होल्डर, ये आपको इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए आपको मैं आपको बताया हुआ था कल, ये आपको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड आप कैसे बनाएंगे, है ना। ये आपको इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए ये चीजें आपको यूज किया जाता है, ये आपको एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए करता है डाई एंड डाई होल्डर, ये एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। सॉलिड डाई है, एडजस्टेबल स्प्लिट डाई है और ये आपको डाई होल्डर है ना, ये आपको डाई होल्डर है। तो ये आपको डाई एंड डाई होल्डर है और ये आपको जो है इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है ना, कल बताया हुआ था है ना। ये आपको फर्स्ट है, ये आपको सेकंड है, ये आपको थर्ड है ना। तो यहाँ पे इसको टाइट करके और इसको आपको टर्न किया जाता है, इससे आपको इंटरनल थ्रेड बनता है। हाँ सर, ये तो मतलब फर्स्ट सेकंड करके तीसरा में जाकर के फिनिशिंग कर देते हैं सर ना। हाँ पहले पहले पहला से करते हैं, फिर दूसरा से करते हैं और फिर तीसरा से करते हैं। और ये टॉप रेंज से फिर क्या करते हैं सर? इसे टेप रेंज से क्या करते हैं सर? टेप रेंज से ये जो है ना, यहाँ पर ये जो हैंडल है ना, हैंडल को यहाँ पर जो है फंसा करके टाइट करते हैं। आपको फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ में हैंडल को फंसा के टाइट करते हैं और इसको घुमाने के घुमा करके यूज करते हैं टैप रेंच के। टैप रेंच से घुमाते हैं। समझ गए सर। और इसका एक नाम बताएं।
फिर इनसाइड, फिर फिनिशिंग हुए अति थ्योरी में जो अति स्टार्ट किए थे, पीडीएफ भेजे थे फिर, तो जैसे हमार हुआ नाम जो बताए थे उसी में इसका नाम दूसरा था सर, हाँ उसमें भी है। ध्यान में आ रहा है सर हाँ 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 उसमें भी है। उसका नाम, मतलब नाम क्या था सर, उसका नहीं आप नाम भूल रहा है। नहीं हुए उसमें भेजे थे तो आप उसमें ध्यान से देखिएगा, ये टैप रेंच उसमें भी होगा। हाँ सर है, लेकिन नाम थोड़ा सा है दूसरा, ध्यान से उतर रहा है। ठीक हाँ हाँ है सर, आगे पढ़ाइए। हाँ ठीक है ना। तो ये आपको टैप रेंच है, तो ये जो है आपको दो प्रैक्टिकल आज